स्वच्छ देश बनाने के लिए सरकारें कई जद्दोजहद कर रही हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती हैं, बावजूद पूरे तरीके से शहर में गंदगी और वेस्ट मटेरियल पड़े होते हैं, जिससे कई बीमारियां भी हो रही हैं, जिसमें पानी की बोतल, प्लास्टिक की थैली चारों तरफ पड़ी मिलती है। अब बस्तर में इसे रिसाइकलिंग करने के लिए फैक्ट्री लग रही है। जी हाँ, इस फैक्ट्री के लगने से बस्तर में काफी हद तक प्लास्टिक गायब हो जाएंगे। हालांकि जिला प्रशासन कई योजनाओं को लाकर लोगों को प्लास्टिक को मशीन में ही डालने की योजना बना रहा है, ताकि जिला प्रशासन को प्लास्टिक मिल जाए और लोगों को उसका एक मूल्य भी प्राप्त हो सके। बता दें कि ये फैक्ट्री जगदलपुर विकास खंड के बाबू सिंगरा में 22,000 हेक्टेयर में लगाई जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत 3.5 करोड़ है। वहीं इस योजना में बस्तर के 30 गांव और नगरीय निकाय को शामिल किया गया है, जिसके तहत प्लास्टिक मटेरियल रिसाइकलिंग और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, यह दोनों चीज बस्तर में लग रही हैं। देखिए, अभी हम लोग जो बस्तर जिले में जगदलपुर विकास खंड के 30 गांव को और यहाँ के जो नगरीय निकाय है उसे हम लोगों ने इसमें शामिल किया है, जिसके तहत यहाँ पे मटेरियल रिसाइकल फैक्ट्री और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, ये दोनों चीज़ जो है यहाँ पे आनी है। और इसका जो स्थापना है ये बाबू सिमरा जो गांव है हमारा वहाँ पे होगा, और इस कार्य में CEE सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन और यहाँ पे जो SDFC है वो दोनों के संयुक्त तत्वाधान एवं जिला प्रशासन के ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के तहत इस कार्य को किया जा रहा है।